वहाँ सीकरी में काम मेरे को एक बूढ़ा मिल गया। उस बूढ़ा ने बोला मेरे से, मैंने बोला बाबा मेरे को कोई काम धंधा मिल जाएगा क्या? वह ने बोला काम धंधा तो बेटी इधर नहीं है कुछ भी, और तोलू में मेरा सम देश आदिवास का वहाँ तोलू काम दिवा देगा कामा में। तो कह थोड़ा सोर लिखा लो। इनने मेरे को ठंडा उंडा पिलाई, पानी वाणी पिया इन्हें। तो ठंडा में मेरे को पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, मेरे को कोई होश नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं। सहारे होटल है उसके पास गुजर का कमरा वह दिलवाया। वहाँ मैं पटकी राखी ने 10-12 दिन वहाँ पटकी राखी हूँ। इनने मेरे संग खूब अच्छा बुरा करा, जबरदस्ती करी, मार पीट करी, मेरे बच्चन को मारने की धमकी दी। हूँ मैं इन्हें होश में नहीं आन दी, मेरे संग गलत काम छो को छो ने करा, हूँ से होश में नहीं आन दी। वहाँ से ला कर इन्हें मैं कोर्ट नीचे ला कर कोर्ट नीचे ले लिया कमरा, कोर्ट नीचे ले कर नहीं, फिर इन्हें यही हाल यहाँ करा मेरे संग। हेन अच्छा बुरा काम करा छो को छो ने, खूब गुथे पेंडे कर रख रहे, मार रख रहे, मेरे को बाहर नहीं निकलन देख रहा, मेरा बाड़खन की मारने की धमकी दी। कामा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर होटल के पास कमरे में अलग अलग 14 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता ने कामा थाने पर पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला जानते हैं पीड़िता की जुबानी, किस तरीके से पीड़िता ने इन परिस्थितियों में सामना किया है और थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। जी क्या घटनाक्रम हुआ था? ये घटना ऐसा हुई है, मैं अपना ससुराल रही थी, ससुराल रहने के बाद फिर अपने माँ बापन का जागी, माँ बापन के बाद आने के तो मेरे रही माँ बापन के पिए, मेरा आदमी गुजर गया, उसका मुंडल बुखार चढ़ा था वह गुजर गया। मैं अपने ससुराल चली जाती, कभी अपने गांव आ जाती, ऐसे टाइम पास करती। तो भाई भाव भजन का घर हो गया तो मेरा बाजा नहीं बजा माँ बापन के पास, माँ बापन के पास मेरा बाजा नहीं बजा। मैंने सोचा अपना दोनों बच्चे हैं तो इनका कैसे बाजा बजाऊंगा। तो मैंने वहाँ से अपने माँ बापन के पास से गुलपाड़ा आ गई, मैं इनके लिए कोई काम धंधा ही मिल जाएगा मेरे लिए। हूँ मैंने 1.5 महीने तक बेलदारी करी, बेलदारी करने के बाद मेरा काम बंद हो गया, वहाँ काम और नहीं रहा। मैं वहाँ से सीकरी आई, सीकरी आने के बाद मैंने कोई सीकरी में काम मिल जाए, वहाँ सीकरी में काम मेरे को एक बूढ़ा मिल गया। उस बूढ़ा ने बोला मेरे से, मैंने बोला बाबा मेरे को कोई काम धंधा मिल जाएगा क्या? वह ने बोला काम धंधा तो बेटी इधर नहीं है कुछ भी, और तोलू में मेरा सम देश आदिवास का वहाँ तोलू काम दिवा देगा कामा में। मैंने कहा बाबा मेरी मदद करवा दे, कोई काम मिल जाए तो मेरे लिए कोई काम मिल जाए। तो वह ने अपने समधी से बात करी, समधी से बात करने के बाद समधी ने यह बोला यहाँ कोई काम भी मिल जाएगा, एजेंसी में लगवा देगा, यह तेरे को कोई और काम में लगवा देगा, तो यहाँ तू कोई काम कर लीजो, तेरे को कमरा दिवा देगा। कमरा दिवाने के बाद मैंने कहा ठीक है मेरे को तुम आ जाओ और मेरे सामान भर ले जाओ, तुम आ जाओ, मैं मेरे को काम दिवा लियो, मेरे दोनों बच्चा मेरा पेट भर जाएगा, मैं अपने पेट को कहाँ पाड़ूँ मैं की। तो वे यहाँ से चला गया, वे गया यहाँ से इलियास अख्तर रुद्दार और आसू जैकम और जमशेद, ये तीन जना तो मोटरसाइकिल पे और टेम्पो में, और धर्मशाला को अख्तर वो आकर टेम्पो लेगा करके नहीं चला गया। मेरे सामान को भर लाया, भर के नहीं वहाँ से परली तरफ से जैसे भर के लाया तो कह थोड़ा सोर लिखा लो। इनने मेरे को ठंडा उंडा पिलाई, पानी वाणी पिया इनने। तो ठंडा में मेरे को पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, मेरे को कोई होश नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं। वहाँ से ला के नहीं इनने कामा में होटल के पास, नहर के सहारे होटल है उसके पास गुजर का कमरा वह दिलवाया। वहाँ में पटकी राखी ने 10-12 दिन वहाँ पटकी राखी हूँ। इनने मेरे संग खूब अच्छा बुरा करा, जबरदस्ती करी, मार पीट करी, मेरे बच्चन को मारने की धमकी दी। हूँ मैं इन्हें होश में नहीं आन दी, मेरे संग गलत काम छो को छो ने करा, हूँ से होश में नहीं आन दी। वहाँ से ला कर इन्हें मैं कोर्ट नीचे ला कर कोर्ट नीचे ले लिया कमरा, कोर्ट नीचे ले कर नहीं, फिर इन्हें यही हाल यहाँ करा मेरे संग। हेन अच्छा बुरा काम करा छो को छो ने, खूब गुथे पेंडे कर रख रहे, मार रख रहे, मेरे को बाहर नहीं निकलन देख रहा, मेरा बाड़खन की मारने की धमकी दी। नो कहे तेरे बाड़खन ने मार देगा, तुझे जान से मार देगा, तो बाहर नहीं निकलेगी। खूब तो आपको छोड़ के कैसे गए, कहाँ छोड़ा आपको? ये मेरे को फिर ऐसे छोड़ कर चला गया, फिर मैं इनका आगे रोई, मेरे बच्चान को तो दिखा दियो, मेरे को मेरे बच्चान को तो ला दियो मेरे पास, एक बार तो मिला दियो। इनने कैसे कैसे मैंने हाथ जोड़ जोड़ के नहीं मेरा अपना बच्चा मंगवाया, मेरा बच्चा ने पटक कहनी ये नुकनी भग गया। जैसे ये छोड़ा बच्चों को, बच्चों मेरा इन्हें सिड्डी में छोड़ा नीचे कामा में कोर्ट भी इनके पास ही थे। हाँ इनके पास है जानना से, बच्चे इनको भी नहीं दिया मेरा, हाँ बच्चे इनको भी नहीं देता मेरे को, ये इन्हें मेरे संग बहुत परेशानी करी। तो
तो हूँ मेरे बच्चों को सिडीन में छोड़ते ही मैं अपने बच्चों को लाई आके ला के नहीं, फिर अपना उनका गले मिल के खूब रोई रो रो के नहीं। मैं कितनी बड़ी उम्र है आपकी? मेरा बड़ा लड़का तो 10-12 साल का और छोटा मेरा 4-5 साल का। अपना ने ला के नहीं। पति की मौत कितने दिन पहले हुई? उसकी मौत हुई कम वह मरे होगा 10-11 साल। तो फिर 4-5 साल का छोटा बच्चा कैसे रहा? वह दूसरी तरफ दे दे मेरे माँ बाप ने जवानी में, लेग ना कट से जवानी उसने और कर ली। उसने इतना बुरा करा मेरे, छोड़ दिया उसने और कर ली मेरे, धक्का दे दिया और कर ली। वे काम ऐसे हो गया। ये थी पीड़िता जिसने अपनी दर्द भरी दास्तान बताई है और पीड़िता ने कामा थाने पर पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच कामा डीएसपी द्वारा की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराकर मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।